The class was excellent. The class was very excellent. Class was wonderful. The class was wonderful. Class was excellent. The class was superb. The class was excellent. मेरा नाम राज है, मैं पंजाब से हूँ। मैंने चार बार सर से सेशन किए हैं, तो जब मैं आया था मैं 35 लाख में लॉस में था, और उस टाइम पे मेरा मोराल बहुत डाउन था, मेरे से तो बोला भी नहीं जाता था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं प्लस में हूँ। और दूसरा, अब की बार मैं ये सोच के आया था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वाकई कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। वो सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है कि हम लोग जब भी सर को फ़ोन करते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेंटर हैं, वो फ़ोन उठाते हैं, आपको आंसर करते हैं, और आपको जो आप पूछना चाहते हो उसमें कभी डिनाई नहीं करते हैं। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, और मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने पहले किया हुआ है वो दोबारा से फिर से करें, बहुत कुछ नया सीखने को है। हाय, माय नेम इज़ कृतिका। आई हैव स्टार्टेड माय स्टॉक मार्केट थिंग लाइक अ ईयर बैक। उसमें मैंने सबसे पहले चीज़ ये सीखी थी कि जब मुझे किसी ने बताया था इनके बारे में कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करना है, मैं तो अपने आप YouTube से देख के कर लूँगी, तो मुझे आज सबसे पहले ये रियलाइजेशन हुआ कि जितनी इन्वेस्टमेंट तुमने करनी है ना, उसमें से बस इतना पैसा तुम साइट पे पहले इन्वेस्टमेंट ये करो कि क्लास ज्वाइन करो, बिकॉज तब तुम्हारी रियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी। ही इज़ नॉट इवन टेलिंग यू हाउ टू स्टॉक मार्केट, ही इज़ टेलिंग यू हाउ टू यू मैनेज योर मनी ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेल्थ क्रिएशन कैसे कर रहे हैं हम। सिर्फ सट्टाबाजी करने तो हमें नहीं करना, वी हैव टू क्रिएट अ वेल्थ, एंड दैट इज़ वॉट ही इज़ टेलिंग अस हाउ टू डू इट, वेल्थ क्रिएशन एंड मल्टीप्लाई योर मनी वेरी इजिली, एंड द टूल्स विच ही प्रोवाइड्स आर एक्सीलेंट, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग हिम लाइक 6-7 months बिफोर ऑन द यूट्यूब, एंड आई यूज टू डू वॉट एवर ही यूज्ड टू से, आई ब्लाइंडली यूज टू फॉलो हिम, बिकॉज तब तक नॉलेज कुछ भी नहीं थी, ब्लाइंड नॉलेज पे भी आई कुड से दैट विद हिज टूल्स एंड विद हिज नॉलेज आई यूज टू अर्न ओनली। ये बेसिकली दैट इज वॉट ही हैज टॉट मी राइट नाउ इज दिस, के बीइंग द हाउसवाइफ यू नो यू आर वेरी ऑक्यूपाइड विद किड्स एंड द फैमिली एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू हैव द अर्ज टू अर्न मनी, दैट अर्ज कैन बी सेटिस्फाइड बाय डूइंग दिस थिंग, बिकॉज इन्होंने मुझे चीज़ एक बताई है जैसे पोजिशनल इन्वेस्टर बनना, जिसमें आपको पता है कि आप कहाँ पर कितना टाइम दोगे, कुछ मिनिमम आवर्स इन अ डे, एंड देन यू कैन स्टिल डू इट, एंड यू नो यूर सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की एक फीलिंग बहुत अच्छी होती है, एंड दैट फीलिंग कैन बी अचीव बाय डूइंग दिस थिंग एंड फॉलोइंग हिम, सो यू कैन रियली अचीव दैट। My name is Paras. I'm from Delhi, and I came here to get the, you know, to learn the new things. And I have learned the new things. And before, I didn't know about the option chain analysis, anything. I have seen it, but I did not know how to read it. I find it really boring earlier, but now it's interesting for me. I've used it. I've learned it. And you know, it's good for me now, because earlier I used to, you know, like throwing arrows in the air, but now I know where to put my money. Like I know how to pick the stocks, how to pick the best stocks. So I've got what I came for. Were you able to meet your expectations? Yeah, definitely. I've learned a lot. Like I told you, I've learned how to analyze the option chain. Earlier it was boring for me, you know, I have seen lots of videos, but you know, I was skipping all those videos because it was boring for me. The online classes are not my thing. I don't find it comfortable, means, you know, you tend to skip. My answer is simple, because you see there is no foundation in online classes, so you tend to skip. That is the thing. And when you go out and you know, you're going to one particular place and taking classes there, you know, and the aura of that place, you know, when you indulge in a study within a group, you find it better. Main Bareilly UP se aaya hu, aur isse pehle sir aapki ek class aur attend kar chuka hu. लेकिन उस समय सर जब मैंने ये क्लास अटेंड की थी, तब से और अब में बहुत डिफरेंस है। उस समय हमने जो सीखा था, मुझे लगता है आज हमने जो सीखा है, आज का सीखने का क्राइटेरिया पहले के क्राइटेरिया से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इंसान को टेंशन फ्री ट्रेडिंग करना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं,
एक एक दो दो रुपए के लिए बस लगे रहते हैं। टेंशन फ्री ट्रेडिंग तो करना है, लेकिन करते क्या हैं? यूट्यूब पे देखा, उन्होंने बताया कि बस जैसे यहाँ सिग्नल मिला बाई का, एंट्री ले लिया, बाहर आ गए एक और दो रुपए के लिए मात्र। अभी होता क्या, जैसे मैं कल जब सेशन स्टार्ट होने को था, सर से मुलाकात हुई, देखते ही लगा कि हाँ दिल खुश हो गया। ये बात अंदर से निकली, क्यों निकली भाई? मैं जिस चीज़ को पिछले 1.5 साल से वेट कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और बिगनर्स के लिए तो भाई मैं यही चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया तो वो एक अलग चीज़ है कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया किसी वजह से, वो एक पर्सनल इश्यू हो सकता है, कोई बात नहीं। और आज के टाइम में तो ये है कि अगर हम जो अब तक करते चले आ रहे हैं उससे वही मिलेगा जो अब तक मिलता चला आ रहा है। कुछ नया कमाने के लिए कुछ नया तो सीखना पड़ेगा। और मुझे लगता है स्टॉक मार्केट, जैसा कि सर बताते, बच्चों का खेल है, वास्तव में बच्चों का ही खेल है। मेरा नाम नीतू है, मैंने अभी 4 मंथ से स्टार्ट किया। पापा तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बट उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ा स्टार्ट करो ट्रेडिंग, बट मुझे इतना वो नहीं था। बट यहाँ आके जब मैंने आपकी लाइव वीडियोस देखी तो उसमें देखा काफ़ी एक्यूरेसी आपके सेशंस मैंने दिए देखे, तो फिर मुझे लगा कि चलो यहाँ आके एक बार ट्राई करती हूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि सही जगह आई हूँ। मैं जितने भी फ्रेशर्स से सबको बोलूँगी कि पक्का आए और यहाँ आके सीखे। ये मैं डैडी से पूछा रहा हूँ कि आप क्या सोच के आप वीडियोस तो हमारे पहुँचे। आई एम गुरमीत, मैं तो एक्चुअली बड़े टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट ट्रेडिंग का एज एन इन्वेस्टर आई एम रिटायर्ड हूँ इस टाइम। तो ये मैं देखता था, ये मेरे को देखती थी कि बैठा रहता कंप्यूटर पे, कुछ कहते क्या इन्वेस्टमेंट की, मैंने कहा चल रहा है अभी, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है क्या निकल रहा है। तो कहती है फिर इट इज़ बेटर कि आप एक बारी एक कोर्स कीजिए और उसके बाद फिर प्रॉपर हम दोनों मिल के करेंगे। तो आई हैव लर्नड अ लॉट, स्टॉक सिलेक्ट कैसे करने हैं, मेन चीज़ है स्टॉक से एंट्री का एग्जिट कैसे लेना है और आगे उनको कैसे री एंटर करना है और इन चीज़ों में कैसे बिल्टअप करना है। अभी तक मैं स्टॉक ले तो लेता हूँ बट एग्जिट करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। और नीतू को भी इस वजह हम दो हो जाएंगे तो होपफुली विल बी एबल टू डू इट इन अ बेटर वे। तो जो टूल आपने दिया है दैट इज़ आई थिंक अ वेरी मार्वलस टूल एंड इट इज़ अ वेरी ईजी टू मैनेज योर फंड्स विद अ मिनिमम टाइम। एक आपसे मैसेज चाहिए सर। हाँ जी। कि जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि फ्रेशर्स मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो उन फ्रेशर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? Parents should basically encourage their children to enter into this stock market or investing. Maybe it could be mutual fund, it could be equity. And if you आपने इक्विटी में जब बच्चों को करना है तो उनके फ्यूचर के लिए बिल्टअप करना है, चाहे कैसे भी आप खुद उनके लिए इक्विटी बिल्टअप करो या इंक्लूड देम इनटू इट। मेरे बच्चे भी बहुत मुश्किल से एंटर कर वो नहीं करते, मुझे ही करना पड़ता है। जैसे आपने गाइड किया कि उसमें आप बच्चों के नाम पे लेके रख दो, तो मैं उनके नाम पे इक्विटी तो नहीं ली हुई है बट म्यूचुअल फंड मैक्सिमम रखे हुए मैंने, इक्विटी का भी थोड़ा सा पोर्शन अभी स्टार्ट किया मैंने। तो बेसिकली इट गिव्स अ वेरी गुड, उनको लगता है कि हाँ हमारे पास इतना पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा है, तो हो सकता है और 1-2 साल में दे वुड बी एनकरेज अप और ज्वाइन करने के लिए। मैं पटना बिहार से आया हूँ और मैं बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 2018 से अप्रॉक्स, और हमको और भी नॉलेज था जैसे टेक्निकल का। और तो उसके बाद जब हम ट्रेड करते थे तो वो इंट्राडे हम नहीं कर पाते थे अच्छे से शॉर्ट टर्म में, तो हमको एक दोस्त है जो यहाँ रिकमेंडेड किए, कोलकाता का है, मृत्युंजय पॉल, वो व्हाट्सएप पर उनसे चैट होता है, तो वो बोले कि जाइए एक बार करके देखिए, उनका ऑप्शन चेन और कैलकुलेटर बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो हम इसी से यहाँ चले और यहाँ पर सीखे तो अच्छा लगा, और अब जाके इस पर ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। बाकी लोगों के लिए रिकमेंडेशन, कोई सजेशन? हाँ, इस हमको तो अच्छा लगा, हम तो सीख गए, ऑप्शन चेन तो हमको अच्छा लगा और कैलकुलेटर में जितना भी चार्ट देखा उसमें तो काम कर रहा है। वो यहाँ पर तो देखें ही, यहाँ पर तो 30-40 चार्ट देखे ही हैं, कैलकुलेटर काम कर रहा है, और मोबाइल पर भी हम देखे थे जब वहाँ स्टे किए थे, तो वहाँ भी जाके देखे तो वहाँ मोबाइल पर भी काम कर रहा है, अच्छा लगा। तो कलकत्ता से दिल्ली क्यों आए, कलकत्ता नहीं वेट करते हैं? नहीं, वो क्या था कि फिर सोचे कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, और तुरंत बोले, जिसी मतलब बोले, वो आपका लिंक दिए तो हम ऐड हुए, तो अच्छा लगा।
वो जो आप जो लेवल देते हैं ना जो ठीक लगा, तो फिर हम सोचे कि ज्वाइन करके देखते हैं। और फिर मैंने व्हाट्सएप पर फिर मतलब चैटिंग की है कि कब है, तो हम बताए कि दिल्ली है, तो दिल्ली के लिए हम बुक कर लिए।